नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा और निर्णायक मैच खेला जाएगा 30 नवंबर को, जहां पर भारत के सामने चुनौती होगी सीरीज 1-1 से बराबर करने की, क्योंकि पहला मैच भारतीय टीम हार चुकी है, दूसरा मैच बारिश की वजह से रद्द हो चुका है। तो अब कम से कम भारत सीरीज तो नहीं जीत सकता, लेकिन अपनी लाज बचाने के लिए सीरीज बराबर जरूर कर सकता है। शिखर धवन की कप्तानी वाली टीम का प्रदर्शन वनडे सीरीज में हालांकि इतना अच्छा अब तक रहा नहीं है, लेकिन केवल एक मैच के बल पे ये कहा नहीं जा सकता कि ये टीम कमजोर है। अनुभवीहीन जरूर है, लेकिन कमजोर शायद नहीं कहा जा सकता। और अब तीसरा मुकाबला भारत के लिए करो या मरो का है, इसलिए फैंस भी इस मुकाबले को जरूर देखना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि इस पूरी सीरीज का टेलीकास्ट बहुत कम टीवी पे हुआ है। इसका टेलीकास्ट जो डिजिटल टेलीकास्ट जो स्ट्रीमिंग का है वो अमेजन प्राइम पे की गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे फैंस क्रिकेट का लाइव मजा नहीं ले पाए थे। लेकिन फाइनल मुकाबला कहें तो आपको ये टीवी पे देख सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, डीडी स्पोर्ट्स पे आप ये चैनल देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके घर पे होनी चाहिए फ्री डिश। अगर फ्री डिश आपके घर पे है, डीडी स्पोर्ट्स आपके घर पे आता है, तो आप इस मैच का लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सेटअप बॉक्स है, डिजिटल सेटअप बॉक्स है, टाटा स्काई एयरटेल जैसा, वहां पर आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि केवल फ्री डिश पे आप बीसीसीआई ने यह आपको सुविधा दी है। अगर फ्री डिश आपके घर पे नहीं है तो आप मैच नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास फिर वही है, आप जाएंगे अमेजन प्राइम पे, वहाँ पे एक मैच के लिए आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, और खरीद के आप एक मैच के लिए पूरा मजा आप उस मैच का उठा सकते हैं। वहीं अगर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो युजवेंद्र चहल टीम से बाहर हो सकते हैं। ऋषभ पंत के बारे में बहुत सारे बातें हो रही है, तो क्या शिखर धवन उनको बाहर करेंगे? हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी फैंस या तो यही चाहते हैं कि संजू सैमसन को शामिल कर ऋषभ पंत को बाहर कर दिया जाए। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में क्या कहेंगे? वेदर भी इतना अच्छा नहीं है, तो उस बारे में भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि वेदर दूसरा मैच रद्द होने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद तीसरे मैच पूरा हो, 50 ओवर का हो, लेकिन वहां पर भी इंद्र देवता खलल डाल सकते हैं, खबर आ रही है वहां से। तो पूरे न्यूज के बारे में आप क्या कहेंगे, सीरीज के बारे में क्या कहेंगे, टीम इंडिया के दौरे के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा आपने अगर न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।